सो गाइस, फाइनली शाओमी की तरफ से शाओमी रेडमी नोट 8 ये एक तरीके से लॉन्च हो चुका है इन द साइट ऑफ द मोबाइल मार्केट। और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 में काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में आपको यहाँ पे देखने मिलता है। लेकिन जब बात करें, आपको थोड़े से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको रेडमी नोट 8 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आपको रेडमी नोट 8 में मिडिल में आपको नॉच दिखता होगा, राइट? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस रेडमी नोट 8 में इस नॉच के एरिया को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं, यानी कि रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, बट यस, आपको कुछ सिंपल वे बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप शाओमी रेडमी नोट 8 में इस नॉच के एरिया को सिंपली हाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, नॉच है ना, जो बीच में जब आपको नॉच देखने मिलता है उसकी वजह से आपको वीडियो प्ले करते वक्त या फिर गेमिंग खेलते वक्त बीच में आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा। यस, बिकॉज प्ले करते वक्त बीच में नॉच का एरिया आता है जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, तो इसकी वजह से हमारा जो पूरा देखने का व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। इवन समटाइम्स हमें इरिटेटेशन भी होता है, राइट? तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने रेडमी नोट 8 में इजिली नॉच का एरिया को हाइड कर सकते हैं। देखिए, यह मेरे हाथ में ये कोई रेडमी नोट 8 का डिवाइस नहीं है, ये मेरा एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन है। लेकिन आप ये जो मैं आपको वे बताऊँगा, ये आप सिर्फ रेडमी नोट 8 में ही नहीं, कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप इजीली नॉच का जो एरिया है उसको सिंपली हाइड कर सकते हैं। यस, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना होगा नॉच रिमूवर, इस पर आपको सिंपली टैप करना होगा। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे, देन आपको ऊपर यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिखेगा नॉच रिमूवर, सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, तो लेट्स मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको टॉप साइड में आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिखेगा, यानी कि यहाँ पे आपको टॉप साइड में दिखेगा एक हाइट नॉच, और इसके साथ में एक सेटिंग है जो अभी करेंटली ऑफ है। ये है वो मैजिक जिसकी हेल्प से आप इस नॉच के एरिया को सिंपली हाइड कर सकते हैं। ये मेरे का दूसरा एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, मेरा इन्फिनिक्स का है, और इसमें भी मुझे बीच में नॉच देखने मिलता है, राइट? तो इस आज मैं आप तो सिंपली अभी मैं इसको यहाँ पे हाइड करूँगा। तो सिंपली ये जो सेटिंग है, सिंपली आपको इसको ऑन कर देना है। तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे मैनुअली आपको यहाँ पे सेट करना होगा, एंड देन उसके बाद आप इसको इजीली हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉच का जो एरिया है ये मेरा कम्प्लीटली हाइड हो चुका है। सिंपली अभी इसको मैं अनहाइड करता हूँ, ये हो गया अनहाइड। सिंपली हाइड, अनहाइड, हाइड, अनहाइड। तो गाइस, है ना, इजंट इट कूल? इसके नीचे आपको एक और सेटिंग यहाँ पे आपको देखने मिलता है हाइड्स का। इसकी हेल्प से आप इसके जो नॉच का जो एरिया है इसको आप यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या तो मिनिमाइज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर करके, जैसे आपकी नीड है, जैसे आपको जितना नॉच का जो एरिया है हाइट चाहिए उसको आप यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो फीचर है, ये जो एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप रेडमी नोट 8 में ही नहीं, कि कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को जो जिसमें भी आपको नॉच देखने मिलता है मिडल में, उसको आप सिंपली हाइड कर सकते हैं। भले ही आपको रेडमी नोट 8 में कम नॉच देखने मिलता है, लेकिन एटलीस्ट वो नॉच तो है, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब ना हो, तो सिंपली आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से उस नॉच के एरिया को सिंपली हाइड कर सकते हैं रेडमी नोट 8 में, या तो कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में जिसमें भी आपको नॉच देखने मिलता है। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज़ द वे वेर यू कैन ईजिली हाइड द नॉच एरिया इन रेडमी नोट 8। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। सो इफ यू लाइक इट, सो दैट वुड बी वेरी वेरी अप्रिशिएशन फॉर मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, पीस आउट।